पहाड़ों में एक बूढ़ी औरत को लगता है कि उसे सोने की खान मिल गई है। हालांकि डिटेक्टिव उसे बताता है कि ये मामूली पीतल है जो कि सोने की तरह दिखता है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद डिटेक्टिव अपनी कार में वापस आकर अपने दोस्तों को बताता है कि उसे सोने की खान मिल गई है। अगली सुबह डिटेक्टिव अपने दोस्तों के साथ उसी पहाड़ के पास आ जाता है। ये एक मेटल डिटेक्टर की मदद से ये कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ वास्तव में एक गोल्ड माइन है। ये सभी खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। इन सभी के हाव भाव देखकर बूढ़ी औरत को पता चलता है कि उसे कल डिटेक्टिव ने झूठ बोला था। ये डिटेक्टिव से कहती है कि तुम सब मेरा सोना कैसे चुरा सकते हो। डिटेक्टिव बूढ़ी औरत से कहता है कि पहले सोने की खान का पता लगाने से ये सोना तुम्हारा नहीं हो सकता। तभी बूढ़ी औरत डिटेक्टिव को बताती है, इस जमीन का मालिक मेरा बेटा है, इसलिए सोने की खान उसके परिवार की ही है। ये कहकर बूढ़ी औरत मदद बुलाने के लिए जाने लगती है, जिससे ये सभी चिंतित हो जाते हैं और बूढ़ी औरत के साथ समझौता करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक आदमी गलती से एक मेटल डिटेक्टर के स्विच को छू लेता है, जिसकी तेज आवाज से सभी चौंक जाते हैं, जिससे बूढ़ी औरत गलती से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। सौभाग्य से ये अभी भी जीवित है, इसलिए इनमें से कोई बूढ़ी औरत को अस्पताल ले जाने का सुझाव देता है। लेकिन डिटेक्टिव को ये सुझाव पसंद नहीं आता।